एक लाइन ड्रॉ करो इक्वल यूनिट का, एक यूनिट की कंपास खोलो, इतना कंपास खोलना है और आर्क लगा देना है। सेम सेम रेडियस से एक और आर्क लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको एक यूनिट लिया है। 90 डिग्री का एंगल बनाना है। डिग्री का एंगल बना के इसको ज्वाइन करना है, आर्क से इंटरसेक्ट कराना है। ये ए पॉइंट लिखिए और ये बी, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ए बी को मिला दीजिए। आपने ये सब काम पेंसिल से करना है। ए बी जितनी आर्क खोलिए और डॉटेड लाइन नंबर लाइन में इंटरसेक्ट कराइए। रूट टू की लाइन, दिस इज वन यूनिट, वन यूनिट एंड रूट टू। कैलकुलेशन कर जाएगा रूट टू कैसे कैलकुलेट होगी, यहाँ पे सी लेते हैं। देखिए अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वन यूनिट, ये वन यूनिट, इसको निकालना है हमको। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर होता है। तो देखिए वन परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस वन बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना आएगा, वन प्लस वन, हाइपोटेन्यूस इज रूट टू, यानी कि वन यूनिट हमने यहाँ से लिया, वन यूनिट, और वन यूनिट परपेंडिकुलर बनाया विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल, इतना खोल दिया, इतना रेडियस खोला और इसको डॉटेड लाइन बनाया। फिर ये जो इंटरसेक्ट करेगा ये रूट टू का पॉइंट होगा, ठीक है। ये देखा आपने रूट टू का। अब देखिए रूट थ्री से बनाते हैं। रूट थ्री की कैलकुलेशन देख लीजिए पहले। रूट थ्री हमारे पास आएगा, रूट टू को स्क्वायर करेंगे और वन को स्क्वायर करेंगे, टू प्लस थ्री आएगा और यहाँ पे जो भी हम नेम करेंगे उसको लिखेंगे। और ये रूट थ्री के रूट वन स्क्वायर इज वन आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने रूट टू से ही स्टार्ट करना है काम। रूट थ्री के लिए हमको रूट टू बनाना, टू से हमने वन यूनिट लेना है। मेजर करो वन यूनिट, कहीं से मेजर करो, इसे इतना ही रखना है हमको। रूट टू से वन यूनिट करना है। फिर से हमको डी तक ज्वाइन करो और ए और माइनस कंसीडर करते हुए फिर से आ रहा है और नंबर इंटरसेक्ट कर रहा है। ए और डी को ज्वाइन करना है पहले, ठीक है। ए डी की जो आर्क लगाई है उसमें ये रूट थ्री नंबर लाइन में हुआ और यहाँ पे रूट थ्री लिखना है। ए और बी रूट टू है हमारे पास, ये वन यूनिट, ठीक है। ए और ई तक इतना कैलकुलेशन किया, टू स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करके आया।
नेक्स्ट इज रूट फाइव. लेट्स स्टार्ट. लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर वन टू इसको ए ले लेते हैं. सेकेंड यूनिट से फिर एक यूनिट लगाना है और फिर 90 डिग्री बनाओ. डिग्री बनाकर जॉइन करना है बी पॉइंट पे. दिस इज सी, दिस इज टू यूनिट. ए सी जो है टू यूनिट्स है एंड बी सी वन यूनिट लेना है. ए बी को जॉइन कर, ए बी जितनी रेडियस खोलकर नंबर लाइन पे आर्क लगाइए. दिस इज रूट फाइव एंड नंबर लाइन पे रूट फाइव लगाइए. ठीक है, कैलकुलेशन देखते हैं हम. प्लस ए बी इक्वल टू रूट फोर प्लस वन, ए बी इज रूट फाइव. नेक्स्ट इज रूट एट. इन टू लेना है यूनिट एंड सेकेंड यूनिट से टू यूनिट दोबारा लेना है. 90 डिग्री बनाइए, 90 आएंगे, वन आर्क लगाई, सेकंड आर्क यहाँ से आर्क खींचेंगे, दूसरी आर्क खींचेंगे, 90 डिग्री से दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे. दोनों पॉइंट ज्वाइन करेंगे ए को और बी को जोड़ेंगे. दिस इज ए बी आई. सी टू यूनिट है ये और ये भी यूनिट एंड दिस इज रूट एट. इतनी रेडियस खोल डॉटेड लाइन से नंबर लाइन पे आर्क लगाएंगे और वो जो नंबर लाइन का पॉइंट था वो रूट एट होगा. इसकी कैलकुलेशन भी देख लेते हैं. ए इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी स्क्वायर इक्वल टू टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर. ए बी इक्वल टू रूट फोर प्लस फोर. ए बी इक्वल टू रूट एट. तो रूट एट नंबर लाइन पे. रूट सिक्स को कैसे ड्रॉ करेंगे लाइन पे वो देखते हैं. पहले कैलकुलेशन देखेंगे. रूट सिक्स का कैलकुलेशन जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा वो रूट टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर इक्वल टू टू प्लस फोर. तो रूट फोर प्लस टू इज रूट सिक्स हो जाएगा. तो इसका मतलब हमको टू बनाना है. रूट टू से टू पॉइंट लेके काम करना होगा. ये तो मैंने बोल चुके. ए
अपना रेडियस खोलना है, एक यूनिट है वो, रूट टू से टू यूनिट आर लगाना है, ठीक है। फिर रूट टू से ही हमको 90 डिग्री बनाना है, आर्क पे इंटरसेक्ट कर गया, रूट से एडी को मिलाओ, पहले एडी को मिलाओ, रेडियस खोल के नंबर लाइन पे आर्क लगानी है। तो ये वाला जो है रूट से बनेगा, रूट सेवन को बनाना सीखते हैं। रूट सेवन के लिए रूट थ्री बनाना पड़ेगा हमको, रूट थ्री का स्क्वायर करना है, प्लस टू यूनिट रूट थ्री से लेने हैं, फोर हो जाएगा। रूट थ्री को स्क्वायर करेंगे तो थ्री होगा, थ्री प्लस फोर इज सेवन, रूट सेवन से थ्री से रूट थ्री से टू यूनिट लेना है। इसको मेजर करेंगे, वन यूनिट पहले, ये हमारा वन यूनिट है, टू यूनिट रूट थ्री से, जैसे हमने रूट सिक्स पे किया था ऐसे ही टू यूनिट में खींचना है, यूनिट यहाँ से, वन यूनिट यहाँ से, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। फिर इसको जॉइन कर देना है, ए और ये हम बी पॉइंट ले लेते हैं, ओके, और दिस इज सी पॉइंट, ए और बी को जॉइन करना है, ए और बी जितने ए और बी मेजर की आर्क खोल के ए और ए बी जितने मेजर की रेडियस खोल कर हमको फिर से इंटरसेक्ट कराना है नंबर लाइन पे। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास ये रूट सेवन, और ये हमारे पास टू यूनिट आया था, और यहाँ से यहाँ तक हमारा रूट थ्री था, ये बेस था और ये परपेंडिकुलर। तभी हमने रूट थ्री को स्क्वायर किया और परपेंडिकुलर को किया तो ये कैलकुलेशन हुई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। रूट सेवन के लिए पहले आपको रूट टू बनाना पड़ेगा, रूट टू से आपको रूट टू की हेल्प से आपको रूट थ्री बनाना पड़ेगा, एंड रूट थ्री पे रूट थ्री पॉइंट पे टू पॉइंट्स खींच के फिर उसके उसकी हेल्प से आपको रूट सेवन बनाना।
17 बनाना सीखेंगे। आज ए से बी तक 4 यूनिट लेना है हमको। ए बी को जॉइन करेंगे, बी से सी पॉइंट लगाना है 1 यूनिट का, बी सी को जॉइन करना है। एसी को जॉइन करना, एसी जितनी आर्क खोल के नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट कराना है, वो पॉइंट रूट सेवनटीन होगा। रूट 9.3 कैसे बनाते हैं अब सीखते हैं। ड्रॉ अ लाइन विच इज इक्वल टू 9.3। ए बी इस लाइन को नेमिंग कर दीजिए। अब ए से 9.3 का हमने 10.3 बनाना है। ए से 10.3 जितना पॉइंट लगा के नंबर लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। दिस इज पॉइंट सी, जो ए सी है वो 10.3 हो गया। अब क्या करना होगा हमको, जो ए सी है उसका हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर, ठीक है, खींचना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, एसी का हाफ से ज्यादा, एसी जितनी है ना उसकी हाफ से ज्यादा रेडियस खोलकर हमको आर्क लगाना है ऊपर नीचे, सी से भी और ए से भी एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे लगाना है, ठीक है। फिर देखिए सी से लगाया और सी और ए से दोनों पर नीचे आर्क लगा के पॉइंट्स लगा दीजिए ताकि आपका मिस्टेक ना हो। पॉइंट्स लगाने, पॉइंट्स को आप जॉइन कर दीजिए। जो ये लाइन आएगी ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, यानी कि 10.3 की जो लाइन है वो अब टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, ठीक है। 10.3 की जो लाइन है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। 10.3 का हाफ क्या होगा, 5.15, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमको 5.15 जितनी, इसको ओ लीजिए पहले, ए ओ इज 5.15, हाफ हुआ ना उसका, 5.15 आई। ए सी का हाफ हुआ, ए सी थी 10.3 और ए ओ आई हमारी 5.15। तो ए ओ जितनी आर्क खींच के हमको सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ए कितना था हमारे पास, 5.15। तो ये मेजर कर लीजिएगा इसी फिगर में, 5.15 की हमने सेमी सर्कल लगाना है। ओके, सेमी सर्कल लगाया मैंने ऐसे, ठीक है। अब बी पॉइंट से 90 डिग्री बनाना है। 90 डिग्री तो स्टूडेंट्स आपको बनाना आता ही है। पहले एक आर्क खींचिए। 90 डिग्री तो मुझे उम्मीद है कि सारे स्टूडेंट्स को बनाना आता है। तो ये 90 डिग्री का
एंगल बनाया जा रहा है, एक आर्क लगाई, दूसरी आर्क, फिर ऊपर एक आर्क, फिर दूसरे पॉइंट से दूसरी आर्क, ठीक है। फिर से एक पॉइंट लगा लीजिए, पॉइंट लगाना है तो बी और उस पॉइंट को जॉइन करते हुए आपने सेमी सर्कल को, जो लाइन जा रही है ना, वो सेमी सर्कल को टच करानी है। बी से जो भी लाइन उस पॉइंट से होकर, राइट एंगल वाले पॉइंट से होकर गुजरे, आई थी 90 डिग्री बना के, उससे जो लाइन बी से खींचेंगे वो सेमी सर्कल पे टच होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। बड़ा ध्यान से आप 90 डिग्री बनाइएगा, नहीं तो आप गलत हो जाएगा। अब बी और उस पॉइंट जितना रेडियस खोलकर, ठीक है, बी और उस पॉइंट जितना रेडियस कर, फिर से हमको सेम काम करना है, आर्क लगानी है। आर्क कहाँ पे कट होना चाहिए बेटा? आर्क नंबर लाइन पे इंटरसेक्ट होना चाहिए हमारा। तो जो नंबर लाइन पे ये जो इंटरसेक्ट करा रही हूँ मैं, ये आपका रूट 9.3, इसको डी ले लेते हैं, और ये हमारे पास रूट 9.3 आया। और 9.3 कहाँ से कहाँ तक आएगा ये भी देखिए, B से D तक 9.3 बनेगा, यानी कि जो B पॉइंट है हमारा वो जीरो पे लाई करेगा, जहाँ पे B है ना वो जीरो है, और B से D तक जो होगा 9.3 होगा। यहाँ से यहाँ तक रूट 9.3 बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। होप कि आपको समझ आया है सब कुछ। अगर नहीं समझ आया है तो वीडियो को रोक रोक के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। एक्सपोनेंट एंड पावर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 3/5 x 5/3 power 2x = 125 or 27। अब देखिए स्टूडेंट, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस सारे पिछली वीडियो में बताए हैं, उसको रिवाइज कीजिए फिर कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको देखिए 3/5 है, यहाँ पे 5/3 है, तो इसको हमने चेंज करने के लिए अगर हम a प्लस a अपॉन b की पावर अगर -1 है तो वो b अपॉन a हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मुझे यहाँ पे भी ऐसे करना है। अगर नॉर्मल पावर है, अगर नॉर्मल 1 पावर है तो अगर माइनस को करेंगे, अगर हम उल्टा करेंगे तो उसका पावर माइनस आ जाएगा, तो हम ये हमको 5 ऊपर चाहिए क्योंकि यहाँ 5 के मल्टीपल्स है और ये 3 का मल्टीपल्स है, ठीक है। तो मुझे 5 ऊपर चाहिए, तो 5 अपॉन अगर हम 3 करते हैं तो इसकी पावर क्या होगी, x की जगह हो जाएगी -x, ठीक है। अगर हम नॉर्मल माइनस को रिवर्स करते, माइनस को अगर ऊपर नीचे करते हैं तो नॉर्मल बन जाएगा, अगर नॉर्मल को अगर हम उल्टा करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारा -1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3/5 की पावर x था, अगर हमने 5/3 की पावर करना है तो रेसिप्रोकल किया, इसका मतलब -x पावर हो जाएगा, वो पावर। तो 5/3 2x। अब देखिए 5 का कितना मल्टीपल है, 5 into 5 into 5 क्या होता है 125,
एंड 3 × 3 × 3 27, इसका मतलब 5³ एंड 3³। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे 5³ एंड 3³। देखिए हम कंपेयर कर सकते हैं, ये 5³ / 3³, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स पावर मल्टीप्लाई, बेस मल्टीप्लाईज बेस सेम है एंड मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, और ये 5³³ लिख सकते हैं। देखिए a इक्वल टू यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, तो सेम बेस है, a को एक ही बार लिखना है, सेम बेस, पावर्स क्या होगी, प्लस होगी, 2 a की पावर 5 हो जाएगी। अगर यहाँ पे a की पावर -1 है इंटू a की पावर 3 है तो -1 + 3 a की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यही हुआ ना यहाँ पे, तो 5³ कितना आया, 2x - x आएगा। ठीक है, तो x 5³ अगर जब बेस आता है सेम तो उसकी उसको इक्वेट कर देते हैं x = 3, पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी यहां से भी कर सकते थे, सेम बेस है, सेम बेस है, देखिए यहां भी सेम बेस है, तो इसको हम इस टाइप से भी कर सकते थे, जब सेम बेस होता है तो उनकी पावर्स को इक्वेट करते हैं, -x + 2x = 3, ऐसे भी कर सकते थे, तो x = 3, उस केस में भी 3 ही आता। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन 2 सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड है 2⁻⁵ × 5⁻⁴ = 1250। We have to find prime factorization prime factors by prime factorization method. Do you know that? Like this, 2 = 625, and now we have to divide by 5. 125 aayega. Then 5 = 25, and 5 × 5 = 25. Then prime factors are 2⁻⁰ and 5⁻⁴. Right students, now we can write this like 2⁻⁷ and 5⁻⁴ equal to 2⁻⁰ × 5⁻⁴. We have to equate when bases are equal, powers को equate करना है, तो 2 की power क्या है, 2 की power is x minus, we are equate करना है हमको, 2⁻⁷ है एंड ये राइट साइड में 1 है, तो इनकी पावर्स को इक्वेट कीजिए, 1x = 1 + 7x = 8। आपको एक ही बार इक्वेट करना है, मैं आपको 5 की पावर भी इक्वेट करके दिखाती हूँ, एक्स की पावर सेम ही आएगी, आपको x की पावर ओनली 1 टाइम ही निकालनी है, आप चाहे 2 की पावर को इक्वेट करके निकालिए या 5 की पावर को इक्वेट करके निकालिए। देखिए 5 की पावर को इक्वेट करते हैं, सेम ही आंसर आने वाला है, x - 4 = 4 x = 8। ठीक है स्टूडेंट, 8 ही आया दोनों केस में, तो आपको एक ही बार x की वैल्यू निकालनी है, दो बार नहीं निकालनी। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है 5 8⁻⁰ / 3 +
प्लस 27 रेज टू पावर 1 बाय 3 होल पावर 3 एंड अगेन इट्स होल पावर इज 1 बाय 4। हमको सबसे पहले अंदर की ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बाहर की ब्रैकेट को हमको अभी एज इट इज कॉपी कर देना है। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि पावर 3, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 1 बाय 3 उसकी खुद की पावर थी एंड प्लस 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 रेज टू पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, 3 रेज टू पावर 3 इंटू 1 बाय 3, देखिए ये कैसे किया, 3 रेज टू पावर 3 और फिर इसकी भी 1 बाय 3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर, फिर ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर, वो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, इसका होल पावर क्यूब एंड देन अगेन होल पावर 1 बाय 4। 3 गॉट कैंसल बाय 3, इधर भी कट जाएगा तो रह जाएगा 2 प्लस 3, ऐसे रहेगा 2 प्लस 3 इसकी पावर 3 एंड अगेन होल पावर 1 बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5 है एंड 5 रे पावर 3 रिड्यूस होते जाएंगे, 1 इंटू ए पावर 3 बिकॉज दे आर हैविंग सेम बेस, तो इनकी पावर्स क्या होंगी, एड हो जाएगी। ठीक है, ए की पावर 4 हो जाएगी, देखिए 5 की पावर 1 इसमें आएगा आपका 5 की पावर 4 इंटू 1 बाय 4, 4 से कैंसिल हो रहा है और आंसर इज 5 की पावर 1, दैट मीन्स 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये तीनों पहले हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अभी। एक स्क्वायर और 15 स्क्वायर इसका होल पावर है 1/2। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 8 की पावर 2 है, 15 की पावर 2 है, तो 2 को बाहर कॉमन निकाल के इससे 1 बाय 2 कर देते हैं, तो ये एकदम रॉन्ग है। अगर ये 8 पावर स्क्वायर इंटू 15 की पावर स्क्वायर होता तभी वो कॉमन निकल सकता था। ठीक है स्टूडेंट्स, 8 इंटू 15 एंड 2 इन ये, तब ये राइट था, यानी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अगर होगा तो ए और बी का ये होल पावर करते हैं ना, तो नहीं है, तो सब स्टूडेंट ये मतलब ऑल सम स्टूडेंट्स यही काम करते हैं, तो ये रॉन्ग है। प्लीज आप चेक कीजिए यहाँ प्लस है या मल्टीप्लाई है, अगर प्लस है तो उसको करके प्रॉपर सॉल्व करके करना है, जैसे 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, 10 स्क्वायर इक्वल टू 225। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन में आप ये कॉम्प्लिकेटेड चीज लगा देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसको ऐड करेंगे तो 289 आएगा, 289 होल स्क्वायर। अब 289 किसका होल स्क्वायर होता है, 17 इंटू 17 इक्वल टू 289। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको स्क्वायर्स लर्न करने पड़ेंगे थोड़े से, तो 217 पे 1 बाय 2 है बेटा, 17 स्क्वायर इंटू 1 बाय 2। अब ए की पावर n और उसकी भी पावर m, तो ए की पावर n इंटू ऐसे हो जाता है, तो अब देखिए 17 पावर 2 इंटू 1 बाय 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, आंसर इज 17। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 तक क्वेश्चन हुए थे, नाउ लास्ट क्वेश्चन। रूट एक्स की पावर माइनस टू अपॉन
थ्री एंड वाई की पावर फोर, फिर रूट में है वो एक्स वाई होल पावर वन बाई टू एंड ये रूट है। इसको सॉल्व करने के लिए इसका रूट हटाते हैं। सबसे पहले रूट ए का मतलब है ए की पावर वन अपॉन टू, ठीक है स्टूडेंट। एक्स की पावर वन अपॉन टू, फिर इसकी भी पावर माइनस टू अपॉन थ्री, ठीक है स्टूडेंट्स। वाई की पावर फोर, इसकी पावर वन अपॉन टू डिवाइड बाय एक्स वाई इसकी पावर वन अपॉन टू एंड होल पावर वन अपॉन टू, इसको ए की पावर एन, फिर एम ए की पावर एन इंटू एम, ठीक है। एक्स की पावर वन बाय टू इंटू माइनस टू बाय थ्री एंड वाई की पावर फोर इंटू वन बाय टू डिवाइड में एक्स वाई की पावर वन अपॉन टू इंटू वन बाय टू, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसका ये कैंसिल होगा, ये एक्स की पावर वन बाय थ्री एंड वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स पावर वन बाय टू वन बाय फोर इंटू वाई पावर वन बाय फोर, टू टू सा फोर हो तो डिवाइड में पावर्स माइनस हो जाती है। ये एक्स डिवाइड हो रहा है एक्स से, एक्स वन बाय थ्री यहाँ माइनस था बेटा, ये माइनस है, माइनस चलता हुआ आ रहा है इन माइनस वन बाय फोर एंड इंटू वाई ये माइनस वन बाय फोर, डिवाइड में पावर्स रिड्यूस हो गई, लेस हो जाती है, लेस मीन्स सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। ये एलसीएम आएगा 12 और 3, ठीक है एलसीएम तो आता है ना 12, 4 माइनस माइनस यहाँ पे 3 इंटू एलसीएम आएगा वाई का इधर 4 8 माइनस 1, ठीक है स्टूडेंट। मैं थोड़ा आराम से करवा रही हूँ ताकि समझ आ जाए। तो x पावर आएगा माइनस 7 अपॉन 12 एंड y पावर आएगा 7 अपॉन 4, यही आंसर था इसका। हमने आज क्लास 9th के चैप्टर 1 को यानी कि नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। इस लॉकडाउन के पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो तो आपको मेरा जो चैनल है वो सब स्टूडेंट्स को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना पड़ेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ये शेयर कीजिए एंड 9th क्लास का जो भी मिस हो रहा है आपका वो चैप्टर्स हम इसमें कंटिन्यू रखेंगे। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई नोट्स हैं या कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं मेरे को व्हाट्सएप में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।